सुनेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीजन वन की सफलता के बाद सीजन टू प्रेशर है थोड़ा? प्रेशर मैं क्यों लूँ यार, प्रेशर राइटर्स के ऊपर था कि अगर लोगों को सीज़न वन पसंद आया तो वो अच्छा सीज़न टू लिखें ताकि लोगों को सीज़न टू देखने में भी उतना मज़ा आए। तो एज एक्टर्स ऑल वी कैन डू इज़ जब कहानी हमारे पास आती है, स्क्रिप्ट आती है, गिव यू 100%। तो कोशिश यही रही है कि ऑनेस्टी के साथ काम किया है, बस उम्मीद है कि लोगों को खूब पसंद आए सीज़न टू। चलिए, सीज़न वन के निहार का और सीज़न टू के निहार कितना अलग होगा, कितनी चेंज कहानी है और कितना सब कुछ, हालांकि वही है निहारिका बट कहानी कितनी चेंज है? एक्चुअली निहारिका की जर्नी है ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स आई वुड लाइक टू से, क्योंकि फाइनली जे की फर्म छोड़ के उसने अपना खुद का फर्म शुरू किया है। शी इज़ टेकिंग अप केसेस दैट शी बिलीव्स इन, सो न्यू इंटरेस्टिंग केसेस। शी इज़ स्टिल अ लॉयर हु इज़ फाइस्टी, फ्यूरियस, who believes in taking a stand for the right things. So I think मज़ा आने वाला है। साथ ही लव ट्राइंगल भी है इस बार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? Actually अक्षय और निहारिका की लव स्टोरी वॉज दिस इनकम्प्लीट लव स्टोरी, क्योंकि दे वर टुगेदर ड्यूरिंग कॉलेज एंड देन दे पार्टेड वेज। ऑफ कोर्स अगर आपने सीजन वन देखा होगा तो आपको पता होगा, बट इस सीज़न में हमें लगा कि निहारिका नीड्स अ लिटिल फन, एटलीस्ट राइटर्स को लगा। सो वीव गॉट दिस अमेजिंग फन पर्सन ऑन द शो नाउ, राघव, विच इज़ प्लेड बाय तनुज, एंड ही एड्स दैट लिटिल रोमांस इन निहारिका'स लाइफ। इट्स अ लॉट ऑफ फन। जब वही टीम होती है उसी टीम के साथ वापस आना होता है तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है और अच्छा आउटपुट आता है, आप भी मानती हैं इस बात को? बहुत मज़ा आता है बिकॉज आई थिंक सीजन वन के दौरान वी ऑल बिकेम लाइक अ फैमिली, देयर वाज एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ कंफर्ट जोन दैट वी शेयर्ड, एंड वापस उनके साथ काम करना वाज टू मच फन बिकॉज इट फेल्ट लाइक यू आर कमिंग बैक टू योर फैमिली। ऑफकोर्स नए एंट्रेंस हैं कुछ इस शो सीजन टू में एंड आई थिंक इट वॉज एज मच फन विद दैम। सो नए लोगों के साथ उन पुराने लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है, बट बहुत ही मज़ेदार रहा है। सीजन वन में आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ हुई थी, इस बार आपकी ब्यूटी में इनपुट कितना, निहारिका के इनपुट में आपका कितना इनपुट आता है? नहीं, मेरा इस डिपार्टमेंट में कोई भी इनपुट नहीं रहता, वो इनपुट थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड कि उनके गुड जीन्स मैंने लिए हैं, इफ आई मे से सो। एंड या ऑफकोर्स क्लोथ्स पे थोड़ा काम हुआ इस बार, उसके पैंट सूट थोड़े कलरफुल हैं, पिछले बार हमारा वो ब्लैक पैंट सूट ही था पूरे शो में, सो दिस टाइम वी गॉट रेड एंड पिंक एंड ऑल ऑफ दोज कलर्स ताकि शो थोड़ा और वाइब्रेंट लगे। तो हाँ, कपड़ों पे थोड़ा और ध्यान दिया गया इस बार। और भी जो स्टार्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, पीयूष के बारे में? पीयूष जी तो लेजेंडरी हैं, आई मीन उनके बारे में छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो आई एम जस्ट गोना से ही इज फैबुलस एंड आई एम लकी टू बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद हिम। एंड ऑफ कोर्स अक्षय, तनुज, पारुल, सत्यदीप, ऑल ऑफ देम आर जस्ट फैबुलस एंड आई थिंक पूरी कास्टिंग इतनी अच्छी हुई है इसीलिए शायद शो देखने में इतना मज़ा आता है, बिकॉज ऑल द एक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ सीजन टू एंड सीजन वन आर फैबुलस, सो इट्स अ जॉइंट एफर्ट आई से। अगर बात करें आपको किरदार चुनने की, कैसे क्या क्राइटेरिया होता है, आप अपने किरदार को चुनती हैं और क्या कुछ ध्यान में रख कर के आप चुनती हैं मुझे ये करना होता है? एक्चुअली सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखती हूँ कि हर कैरेक्टर जो मैं चुनूँ इट शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन एंड देयर शुड बी समथिंग दैट यू नो आई एज एन ऑडियंस वुड वॉन्ट टू वॉच। तो कोशिश यही रहती है कि ऐसे किरदार करूँ जो लोगों को देखने में मज़ा आए। OTT रुपहला पर्दा या फिर चाहे फिर एल्बम हो, इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कितना मज़ा आता है काम करने में? आई मीन म्यूज़िक किसको नहीं पसंद है, अच्छे गाने सबको पसंद है, तो आई थिंक जब कोई अच्छा गाना आता है आई एम लाइक मुझे ये करना है एंड आई थिंक दैट्स द वन थिंग पीपल हैव लव्ड, चाहे वो दिल को करार आए धीमे धीमे हो या थोड़ा थोड़ा प्यार। आई मीन म्यूज़िक वाइज टच वुड एवरीथिंग इज़ बिन लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय पीपल। ऑफकोर्स कहानी आफत इश्क हैज़ बिन लव्ड बाय पीपल, इलीगल सीजन वन हैज़ बिन लव्ड बाय पीपल। आई मीन अभी कोशिश यही है कि अच्छा अच्छा काम करें। अपकमिंग प्रोजेक्ट? ऑफकोर्स जुगीरा सारा रारा रा मेरी नेक्स्ट रिलीज़ है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ है, बिग फैन ऑफ हिम, ही सच अ फैबुलस एक्टर। ऑफकोर्स वो थिएट्रिकल रिलीज होगी, सो नेक्स्ट ईयर सम टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्या थोड़ा बताना चाहेंगे, अगर कुछ रिवील करना चाहें? इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत मज़ा आया शूटिंग के दौरान बिकॉज आई थिंक इट्स ब्यूटिफुली रिटन, स्क्रिप्ट धमाकेदार है, मुझे जितना मज़ा काम करने में आया होप ऑडियंस को देखने में भी उतना ही मज़ा आया।
चलिए लॉकडाउन की अगर बात करें, चूँकि लॉकडाउन के बाद अब सब कुछ ट्रैक पर आ रहा है धीरे धीरे, है ना, फिल्में भी आ रही हैं सब कुछ, और आपकी भी फिल्में आने वाली हैं सिनेमा हॉल में, तो क्या कहना चाहेंगे कैसा रहा लॉकडाउन का एक्सपीरियंस? अगर पूछें आपसे कि क्या कुछ सिखा गया या क्या कुछ पता गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी चीज़ जो उसने सिखाई है वो ये कि नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ, एक ज़िंदगी है, जी लो, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, लिव इट. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम लॉकडाउन. ऑफ कोर्स थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, सो उम्मीद यही है कि लोग वापस थिएटर्स में जाएं, घर पे OTT पे चीज़ें देखें एंड सपोर्ट अस एंड हेल्प अस डू द बेस्ट दैट वी कैन. लास्टली, आपकी लाइफ में आपने ऐसा कुछ इलीगल काम किया है? इलीगल शो को छोड़ के मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया, बिकॉज आई लव टू लिव बाय द लॉ एंड आई रिस्पेक्ट द जुडिशरी एंड आई थिंक इट्स गुड टू बी लाइक दैट.